organizational abilities. May I now request Shri Amit Shah to address the gathering. मंच पर उपस्थित महामहिम डॉक्टर तमिलसाई जी, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी जी, अध्यक्ष पांडिचेरी विधानसभा श्री आर सेल्वम जी, पांडिचेरी के गृहमंत्री श्रीमान नमो शिवाय जी, अध्यक्ष श्री अरविंदो सोसाइटी प्रदीप नारंग जी, मनोज दास गुप्ता जी, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति गुरमीत सिंह जी, श्री अरविंद सोसाइटी के श्रीमान विजय पोद्दार जी, और आज देश भर से श्री अरविंद, उनके विचार और उनके संदेश को संरक्षण और संवर्धन करने वाले, उसका प्रचार और प्रसार करने वाले देश भर की संस्थाओं से आए श्री अरविंद के अनुयायी को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं 13 साल की आयु से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 17 साल की आयु में मैं राजनीति में आया। बचपन से ही युवक महोत्सव से लेकर कई जगह वक्तृत्व स्पर्धाओं के अंदर मैंने कई मेडल जीते हैं, मगर आज की सभा को संबोधित करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो श्री अरविंद के संदेश के लिए अपना जीवन जीते हैं, श्री अरविंद के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भारत के युवाओं को श्री अरविंद के संदेश से प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, इनके सामने भला मैं कैसे श्री अरविंद पर बात कर सकता हूं। इसलिए मेरा बहुत मैं संकोच के साथ आपके सामने, आप सबके सामने बात करना चाहता हूं। मित्रोपण, आज मुझे जरूर बोलना है और मेरे की मन की भी इच्छा है कि आज मुझे बोलना चाहिए। श्री अरविंद के जीवन कवन, उनके संदेश, उनका जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ बुला हुआ है, वो सारों को, सारी चीजों को अगर एक वाक्य में समेटना है तो कोई कैसे समेट सकता है। मैंने अभी मंच पर ही बैठकर सोते सोते एक वाक्य बनाया है कि अगर भारत को समझना, भौगोलिक रूप से नहीं, कानूनी दृष्टि से नहीं, भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ढेर सारी चीजों के पचड़े में पड़े बगैर वेद, उपनिषद, गीता, बहुत सारे महाकाव्य, बहुत सारे साहित्य के ग्रंथ, ये सब चीजों को पढ़े बगैर श्री अरविंद को ध्यान से पढ़ लोगे तो भारत की आत्मा का परिचय सबसे अच्छा हो जाएगा और भारत को आप आत्मसात कर सकते हो। इसी प्रकार का जीवन श्री अरविंद ने जिया, और श्री अरविंद ने उनके साहित्यों को ध्यान से पढ़ते हैं, उनके संदेश को समझते हैं तो उन्होंने एक अलग प्रकार की भारत की व्याख्या करी है। ये दुनिया में सभी देश जियोपॉलिटिकल देश है, कोई रिजोल्यूशन से बने या तो संधियों से बने, दो राज्यों के बीच में युद्ध होता है और फिर एक नए देश का सर्जन होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, चीन हो, सारे देश जियोपॉलिटिकल देश है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है
जो जियो कल्चर है, जो संस्कृति के आधार पर बना है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ऐसा देश हमारा भारत देश है। और ये बात श्री अरविंद के हर वक्तव्य में से आप चाहे किसी भी विषय पर के हो, इसको लेकर चलते हो, इसको प्राप्त करते हो। और अगर भारत को जियो कल्चर कंट्री के नाते देखने की शुरुआत करेंगे तो आज की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर बंगाल तक कहीं ना कहीं एक संस्कृति हम सबको बांधे हुए है। संविधान अपनी जगह बहुत महत्व रखता है। संविधान हम सबके लिए सम्मान पात्र है, सम्मान के लिए करने के लिए एक ग्रंथ है और इसी के आधार पर देश चलना चाहिए। पर बॉन्डिंग अगर कोई है तो ये संस्कृति है, भारत की आत्मा संस्कृति है। ये बात जब आप श्री अरविंद को पढ़ोगे तो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी। और पर श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है भारत माता के लिए, मैं अंत में बात करूंगा, वो इसी के आधार पर की है। श्री अरविंद भारतीय संस्कृति की चीर पुरातन चेतना की नदी का एक जो प्रवाह है, हजारों हजारों साल से विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार की एक संस्कृति बह रही है, एक नदी बह रही। ये नदी के श्री अरविंद ने एक ही जीवन में नई चेतना, नई गति, नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान करने का काम किया। समय समय पर अनेक लोगों ने किया, ऐसे श्री अरविंद ने भी किया। और ऐसे समय में किया जब चहू और अंधकार था, कोई आशा का किरण दिखाई नहीं पड़ता था, देश गुलामी में रहा था, अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त कितने मजबूत आशावाद के साथ उन्होंने भविष्यवाणी भी की और भारतीयता का महिमा मंडन भी किया। मित्रों, जब तक श्री अरविंद को, इनके विचारों को हम नई पीढ़ी को नहीं सौंपते हैं, नई पीढ़ी को उसमें जानने की उत्सुकता नहीं पैदा करते थे, मुझे लगता है कि हमारा 150वीं वर्ष है जो श्री अरविंद का, उसको मनाने के सारे उद्देश्य वहीं के वहीं रह जाए। मेरा सभी से आग्रह है, आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। शायद मैं यहाँ ना आया तो मुझे मालूम भी नहीं होता कि इतना सारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मगर थ्रस्ट देने का एरिया युवा है, थ्रस्ट देने का एरिया किशोर अवस्था की पहले की आयु है। मेरे जीवन का अनुभव है, अगर किशोर अवस्था में किशोर को युवा बनने से पहले अगर एक रास्ते पे ले जाते हैं तो पूरा जीवन वही रास्ते पे वो कहीं कमोबेश चलता है। तो हमारा आग्रह, हमारा फोकस एरिया वही होना चाहिए। मैं गुजरात से आया हूँ, श्री अरविंद का गुजरात से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। काफी समय तक गायकवाड़ सरकार के अंदर शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किया और ढेर सारे गुजरातियों ने श्री अरविंद से प्रभावित होकर श्री अरविंद के जीवन के संदेश को ही अपना जीवन बना लिया। आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा के एम मुंशी श्री अरविंद के शिष्य रहे हैं और आगे के जीवन में श्री कन्हैयालाल मुंशी ने भारत के संविधान की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया और संविधान के अंदर भारतीय विचार प्रमुख हो, इसके जो 8-10 पुरोधा थे उसमें श्री
के मुंशी थे और उन्होंने, मुझे लगता है शायद श्री अरविंद के पास से ही शिक्षा प्राप्त करते करते ये करा होगा। बाद में ढेर सारी भारतीय संस्कृति के भारतीय विद्या भुवन की स्थापना की, भवंस की स्थापना की, भारत की सभी प्रकार की कला को चिरंजीव करने के लिए उन्होंने काम किया। श्री चंपकलाल पुरानी, वो भी 30 साल तक श्री अरविंद के साथ रहे। श्री ए बी पुरानी, जिन्होंने पहली बायोग्राफी लिखने का काम किया, वो भी गुजरात से थे। कवि सुंदरम के बारे में कौन नहीं जानता, गुजरातियों को श्री अरविंद को पढ़ने का सौभाग्य अगर मिला तो सुंदरम के कारण ही मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया गुजरात को श्री अरविंद के साथ जोड़ने का काम। चुनी भाई पटेल, श्री कृष्णलाल भट्ट और वसुदेव भट्ट और जयंतीलाल परीख, ढेर सारे लोगों ने श्री अरविंद के साथ जुड़कर पूरा जीवन श्री अरविंद के संदेश को दुनिया में पहुंचाने के लिए काम किया। एक प्रकार से एक गुजराती व्यक्ति नाते मुझे भी बहुत गौरव होता है कि इतने सारे लोगों ने श्री अरविंद के लिए बहुत सारा काम किया। मित्रों, आज जब श्री अरविंद का 150वीं जयंती का वर्ष है, कोरोना के कारण इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, मगर कोई भी बड़ा काम होता है तो पहले दिक्कतें आती है, उसके बाद में ही सफलता आती है। मुझे विश्वास है कि 150वीं जयंती मनाने का भारत सरकार और श्री अरविंद सोसाइटी ने जो निर्णय किया है वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफल होगा। और श्री अरविंद के जीवन को देखते हैं तो भारत के साथ उनका जुड़ाव भी एक प्रकार से संयोग से भी हो गया है, क्योंकि भारत का आजाद भारत का दिन और श्री अरविंद का जन्मदिन दोनों एक ही हैं। और श्री अरविंद जब 75 के हुए, देश आजाद हुआ, और श्री अरविंद जब 150 के हुए, तब देश की 75वीं सालगिरह होने जा रही है। मुझे लगता है ईश्वर ने, नियति ने संकेत श्री अरविंद के विचारों के माध्यम से, श्री अरविंद के विचारों के तत्वाधान के ऊपर बनाई गई नीतियों के आधार पर ही उनकी कल्पना का भारत हो सकता है, इसलिए ही किया होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो निर्णय किया है, ये निर्णय के पीछे 3 मुख्य बिंदु हैं। देश को यहां तक पहुंचाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए 1857 से 1947 तक, 90 साल तक अनेक लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कुछ के भाग्य में यश था, कुछ के भाग्य में यश नहीं था। लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दी, दुकान बंद कर दी, घर बार कुर्क हो गया, अंग्रेजों ने उनके घर बार को कुर्क कर दिया, रोड पर आ गए। लाखों लोगों ने अपने जीवन का ही बलिदान दे दिया, उसके बाद में आजादी मिली है। मगर कई गुमनाम लोग ऐसे हैं जिनको आजादी के इतिहास में शायद जगह नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है कि हर गांव के साथ आजादी की लड़ाई को जुड़ी हुई चीज को एक पुनर्जीवित कर वो गांव के अंदर के बच्चों को आजादी की लड़ाई के संस्कार देने का काम करना। जाने माने सभी स्वतंत्र सेनानी और अनजान कई स्वतंत्र सेनानियों को फिर से एक बार हमारी नवी पीढ़ी के मानस पटल पर स्थिर करना और इसके माध्यम से देशभक्ति के संस्कार फिर से पुनर्जीवित करना, एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है 75 साल के में हमारी जो सिद्धियां हमने प्राप्त की हैं, वो भी देश भर की 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना। और तीसरा उद्देश्य है
75 साल से 100वें साल तक 25 साल देश के अमृत काल मानकर हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखते हुए विश्व में हर जगह पे हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, इसका संकल्प लेकर एक पूरी पीढ़ी 25 साल तक काम करे, वो हमारे 75 साल का। और ये तीन उद्देश्य के आधार पर ही आजादी का अमृत महोत्सव बना। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ईश्वर ने हमें जन्म ही आजादी के बाद दिया, ना हम सेना में भर्ती है ना आजादी के पहले जन्मे। देश के लिए जान देने का मौका तो हमें मिल ही नहीं सकता, परंतु देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और आज 75वें साल में श्री अरविंद के 150वें साल में हर व्यक्ति ने संकल्प करना चाहिए कि हम देश के लिए जिएंगे। मित्रों, श्री अरविंद घोष का 150वीं जयंती का वर्ष है। प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति उनकी अध्यक्षता में बनाई है और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने श्री अरविंद को उल्लेखित कर एक बात कही थी कि हम आजादी के 75वें साल में श्री अरविंद की कल्पना का भारत बनाने के लिए सब लोग प्रयासरत हो, ये भावना उन्होंने देश के सामने लगी। और उनकी कल्पना का अगर भारत बनाना है तो श्री अरविंद के विचारों को हमने आगे ले जाना पड़ेगा। इन्होंने हमारे सामने कई सारी बातें रखी हैं। श्री अरविंद पूरा जीवन, शायद मृत्यु पर्यंत मेघावी छात्र रहे। उनके अंदर का विद्यार्थी उन्होंने देह छोड़ा तब तक जीवित था। भले ही फॉर्मल एजुकेशन इंग्लैंड में हुआ, परंतु भारतीयता में रचे बसे इस व्यक्ति ने पूरे देश को भारतीयता की अर्वाचीन व्याख्या से परिचित कराने का एक बहुत भगीरथ काम किया है। भारतीयता की व्याख्या हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है, परंतु भारतीयता की व्याख्या को 20वीं शताब्दी की भाषा में अगर किसी ने करने का काम किया है तो श्री अरविंद और विवेकानंद दोनों ने ही किया है। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए वो पथदर्शक है, वो हमारा आज भी गाइड कर रही है। उन्होंने इंग्लैंड से ही दो महान क्रांतियों में से प्रेरणा लेने का काम किया, आयरलैंड की क्रांति सिन फेन आंदोलन और इटली का गेरिबाल्डी का आंदोलन। ये दोनों से ही उन्होंने प्रेरणा ली और फिर यहाँ आकर उनके मन में वो क्रांतिकारी, दोनों क्रांतियों से प्रेरणा लेकर वो क्रांतिकारी जिंदा हुआ। ICS की परीक्षा देने की जगह उन्होंने भारत के लिए काम करना तय किया। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा ने एक प्रैक्टिस बनाई थी कि हर साल वो इंग्लैंड जाते थे और तेजस्वी भारतीय बच्चों को उनके राज्य के लिए लेकर आते थे। 1893 में सयाजी राव उनको बड़ौदा शिक्षा के लिए लेकर आए। ये 1893 का साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1893 के साल में 1893 में ही तिलक महाराज ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत कर हमारे त्योहारों को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने की शुरुआत की थी। और मास लेवल पर पहले आजादी का आंदोलन एक बौद्धिक आंदोलन था, जनता का कोई जुड़ाव नहीं था,
कुछ विद्वत जन मिलते थे, दुनिया भर की डेमोक्रेसी की चर्चा करते थे और यहाँ पर हमारा राज होना चाहिए इसकी चर्चा करते थे, जनता कटी हुई थी। 1893 में तिलक महाराज ने जब गणेश उत्सव किया तब जाकर जनता का जुड़ा हुआ। 1893 में ही विवेकानंद दिग्विजय करने के लिए पूर्व की ओर से पश्चिम में रवाना हुए और 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका के लिए रवाना हुए। ये बहुत बड़ा संयोग है, कुदरत भी कुछ चीजें जब करती है तब बहुत सोच समझ कर करती है और 1893 में श्री अरविंद गांधी जी पूर्व से डरबन गए और श्री अरविंद पश्चिम से पूर्व की ओर लौटे और ये बहुत बड़ा संयोग है। जो आज़ादी के इतिहास को बारीकी से पढ़ते हैं उनको ये सारी घटनाओं को सिंक्रोनाइज करने में एक मिनट नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा संयोग था 1893 का। श्री अरविंद ने वडोदरा के अंदर न केवल शिक्षा, गुड गवर्नेंस पर भी बहुत काम किया। शिक्षा के साथ साथ महाराजा सयाजी राव उनको आसपास के स्टेट्स के अंदर भेजते थे और उस वक्त उनके दीवान ने एक माइनर हिंट्स करकर एक पुस्तक लिखा था जिसमें गुड गवर्नेंस की बहुत सारी टिप्स थी। वो टिप्स का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उनको वहां भेजने का काम बड़ौदा के महाराजा ने किया था और उसके साथ ही श्री अरविंद ने वहां पर एक सबसे पहला एक श्रृंखला हिंदू प्रकाश नाम की पत्रिका की शुरुआत करी और वहीं से जनता के साथ जुड़ाव की उनकी शुरुआत हुई। गुप्त रूप से बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे, एक प्रकार से दोहरा जीवन वो वहाँ व्यतीत करते थे। मन और आत्मा क्रांति के साथ जुड़े हुए थे, नौकरी सयाजीराव गायकवाड़ की शिक्षा के लिए करते थे मगर उन्होंने दोनों भूमिकाओं का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया। 1905 में एक और मोड़ आया, लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया और बंग भंग करते ही देश भर के अंदर एक बहुत बड़ी चेतना आ गई, बहुत बड़ी चेतना आई। उन लोगों के समझ में आएगा कि अंग्रेजों के इरादे क्या है और देश भर के युवा बंग भंग के विरोध में एकत्रित हुए और विशेषकर बंगाल पूरा, अभी का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये बहुत जागरूकता आई और श्री अरविंद ने बड़ौदा की नौकरी छोड़कर बंगाल गए और 1905 से 1910 तक वो भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन की उल्का बनकर एक दीप्यमान तारा बनकर रहे। उन्होंने जो भी किया वो प्रखर रूप से किया, इन्होंने जो भी किया असंदिग्ध किया, विदाउट कंफ्यूजन किया, उन्होंने जो भी किया परिणाम लक्ष्य किया और इसी के कारण ही 2005 से 10 के छोटे से कालखंड में भी वो क्रांतिकारी आंदोलन के एक मुखर नेता बने। उनको जेल में भी जाना पड़ा, अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में उनको गिरफ्तार किया गया और एक साल के लिए जेल भेज गया। पहला उनको आध्यात्मिक अनुभव वहीं पर जेल में उनको हुआ और वहीं से फिर 1910 से उनका जीवन में एक प्रकार का परिवर्तन आया। मित्रों, इन्होंने पॉलिटिकल एक्शन का एक सुसंगत और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित करने की प्रयास किया था, उसको एक प्रकार से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भी आप कह सकते हैं। पहली बार राष्ट्र की अवधारणा उन्होंने रखी और वंदे मातरम का गीत और श्री अरविंद की राष्ट्र की अवधारणा दोनों को देख लोगे तो इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और उनकी राष्ट्र की अवधारणा, जो मैंने पहले कहा, जियो कल्चर देश की अवधारणा के अनुरूप है। सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। स्वराज एक शब्द है, मगर इसका इंटरप्रिटेशन आजादी के आंदोलन के वक्त भी और आजादी के आंदोलन के बाद भी राजनीतिक सत्ता के रूप में हो गया। स्वराज में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्व है, स्वभाषा, स्वसंस्कृति, स्वधर्म, सारी चीजों में स्व है, तभी जाकर स्वराज संपूर्ण होता है। स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं है। अंग्रेजों के पास था, आज हमारे लोगों के पास है, ये स्वराज नहीं है। ये देश भारत की मिट्टी की सुगंध में से निकले, सिद्धांतों के आधार पर चले, ये देश भारत की संस्कृति के बनाए हुए अवधारणाओं के आधार पर चले, ये देश यहाँ की महान परंपराओं को आगे लेकर चले, वो स्वराज का मतलब है। और स्वराज के मतलब को पूरा देश उस वक्त कंफ्यूज था, किसी के पास समय नहीं था, अंग्रेजों को निकालने में सब पड़े थे, मगर श्री अरविंद ने स्वराज का कंसेप्ट ले डाउन करने में कोई कोताही नहीं की, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बड़ा स्पष्ट था। और इसीलिए वो मानते थे कि भारत में वो शक्ति है जो पूरे विश्व को दैदीप्यमान कर सकती है, सारे विश्व का कंफ्यूजन दूर कर सकती है। और वो अवधारणा उन्होंने राष्ट्र की अवधारणा के लिए करी। श्री अरविंद ने बंगाल छोड़कर वाया चंद्रनगर पांडिचेरी में आए और उसके बाद में उनको पूरी दुनिया जानती है। पांडिचेरी उस जमाने भी आजादी का आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा, इसका एकमात्र कारण श्री अरविंद। यहां पर उन्होंने द लाइफ डिवाइन, गीता पर महान निबंध लिखा, मानव चक्र, योग का संश्लेषण, उनकी महान कविता सावित्री स्मारकीय साहित्यिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में आज भी इतनी ही रिलेवेंट है। ढेर सारा साहित्य, ढेर सारे प्रवचन इन्होंने यहां पर कहे और युगो युगो तक रास्ता बदले बगैर पूरा राष्ट्र कैसे चल सकता है, इतना पाठ्य उन्होंने हमें दिया। आध्यात्मिक अनुभव उनको शंकराचार्य मंदिर में भी हुआ और उसके बाद में मैं कह सकता हूँ, एक नया शब्द है श्री अरविंद के लिए, काम करने वालों लोगों को शायद पसंद भी ना आए, मगर एक प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को भी व्याख्या ही, क्योंकि हमारी संस्कृति में बॉर्डर की कल्पना ही नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे साहित्य के अंदर कहीं देश का नाम का शब्द ही नहीं। हम अंतरिक्ष के भले के लिए काम करने वाले लोग हैं, समग्र विश्व के भले के लिए काम करने वाले लोग हैं। राष्ट्रवाद को पश्चिम की व्याख्या से देखेंगे तो संकुचित लगेगा, मगर राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देखेंगे तो समग्र विश्व का कल्याण करने का एक यज्ञ दिखेगा। बहुत सारे लोग आज, पश्चिम के विद्वान, राष्ट्रवाद को पश्चिम की व्याख्या से मूल्यांकन करते हैं। राष्ट्रवाद की व्याख्या इतनी छोटी नहीं है। राष्ट्रवाद जिस देश की संस्कृति समग्र विश्व का सोती हो, अंतरिक्ष तक का सोती हो, पशु पक्षी जल और वनस्पति तक का सोती हो, इसका राष्ट्रवाद समग्र देश के लिए है, वो वसुधैव कुटुंबकम में से उपजा हुआ, जन्मा हुआ राष्ट्रवाद होता है। और इसकी व्याख्या सबसे पहले श्री अरविंद ने करी। श्री अरविंद ने अद्भुत मेगा प्रतिभा,
शिक्षा, ज्ञान और अपने अनुभव का पूरा निचोड़ देश के सामने रखा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, श्री अरविंद के अनुयायियों को बहुत अच्छा लगेगा, अब मेरे भाषण के बाद देश की नई शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ना, आपको हर जगह पे श्री अरविंद के शिक्षा के विचार अपने आप दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि इस देश को जो जानते हैं वो सभी जानते हैं, यही हमारा राजमार्ग है, यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। भारत कभी छोटा नहीं सोच सकता, ना कभी भारत ने छोटा सोचना चाहिए। एक समय आ गया हम गुलाम हो गए, परंतु हमारी सोच, हमारी चीर पुरातन संस्कृति कभी हमें छोटा सोचने की कभी परमिशन नहीं देती है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद के विचारों के आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ जुड़े हुए लोगों को कि आप इस देश के युवाओं को फोकस करिए, आज इस देश के किशोरों को फोकस करिए और आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को फोकस करिए। अगर ये तीन चीजें श्री अरविंद के विचारों के युक्त हो जाती है, ये तीनों क्षेत्र में श्री अरविंद के विचार नीचे तक हर राज्य की भाषा में हम नीचे तक परकोलेट करने में सफल होते हैं, तो श्री अरविंद का कल्पना का भारत बनना मुश्किल नहीं है। कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता इसको, ढेर सारे लोग चाहिए और ढेर सारे लोगों को पहले उनकी कल्पना को समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्वप्न के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने शिक्षा को मात्र शास्त्र नहीं, उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान की जानकारी बहुत जरूरी है, शिक्षकों के लिए संस्कृति की जानकारी भी बहुत जरूरी है। और इन्होंने कभी भी योग को एक प्रकार से जीवन से जुड़ने का नाम ही योग है, ऐसी एक कोट अनकोट नहीं है, मगर मैं जो अर्थ समझा हूं मैं आप सबके सब सामने रखता हूं। जीवन से जुड़ने का नाम ही योग है, इस प्रकार की व्याख्या करने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना कर सकता है, इसका दुनिया भर में उदाहरण ढूंढकर एक दो उदाहरण इकट्ठा करेंगे तो इसमें श्री अरविंद आएंगे। एक जीवन में 100 जीवन जितना काम करे बगैर, यश की कोई अपेक्षा रखे बगैर, युगो युगो तक देश उस रास्ते पे आगे चल सके, इस प्रकार का हमारे लिए वो पाथे छोड़ कर गए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी है, उनके विचार देश के लिए बहुत बड़ा धन है, देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं अंत में यहां पर जो श्री अरविंद के विचारों को अपने जीवन के काम के साथ जुड़े हुए लोग बैठे हैं, वो सभी को मन से बहुत विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने भी श्री अरविंद के विचारों को नीचे तक पहुंचाने के लिए जो अपना जीवन कार्य बनाया है, प्रभु इसमें आपको सफलता दे। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूँ, मैं बचपन से जन्म से आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ शायद हमारे जीवन काल में ही, हो सकता है हमारे जीवन काल में न हो, बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, कम आयु के बच्चे बैठे हैं, उनके जीवन काल में श्री अरविंद की कल्पना का भारत हम निश्चित देखेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी ने यहाँ बुलाकर आज के दिन 24 अप्रैल के दिन श्री अरविंद की समाधि पर वहाँ से चेतना और ऊर्जा प्राप्त करने का मौका दिया और आप लोगों के लिए साथ बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।